सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्टडी ब्लॉग के साथ, स्टडी ब्लॉगर हेमू इज हियर। तो नीट का रिजल्ट क्लियर हो गया है गाइस, और जिन्होंने क्लियर कर लिया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, एंड जिन्होंने नहीं किया है स्टे होप, नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आप क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, BAMS के एडमिशन अब स्टार्ट हो गए हैं और देहरादून में बहुत सारे बच्चे कॉलेज भी सर्च मार रहे हैं। तो सिर्फ आज एक कॉलेज पे बात करेंगे जो कि देहरादून में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है गाइस, बहुत ही बेस्ट है। आज हम बात करने वाले हैं गाइस DIMS के बारे में। जी हाँ, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपके रिकॉग्नाइज है UGC एंड MHRD से। तो गाइस 2015 में ये इंस्टीट्यूट बना था। और हाँ, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट कैसा है ओवरऑल। आपके सीनियर से फीडबैक लिया था मैंने और दो चार लोगों से मैंने वहाँ कांटेक्ट किया था, क्योंकि DIMS जो है पास में ही है, जहाँ से मैंने स्टडी की है वहाँ से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर दूरी पे है। आपके जो है सहसपुर साइड पड़ता है, विकास नगर की ओर। जब आप ISBT से आपकी मैं बात करूँ तो गाइस, ये आपके ISBT से कम 20-22 किलोमीटर समथिंग होगा सैलापुर की साइड। तो बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसा है, ठीक है? सीनियर से क्या फीडबैक मिला, ऑनेस्ट फीडबैक, जो BAMS में वहाँ स्टडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है, और बेस्ट है या नहीं है, फीस कितनी है, ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा है, डिपार्टमेंट वहाँ का कैसा है, फैकल्टी कैसी है, हॉस्पिटल उनका कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं गाइस। तो कहीं में जाइए, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है? और उससे आपको पता चल जाएगा जो DIMS में लेने वाले हैं कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट कैसा है BAMS के लिए। तो देखिए, एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी जो है गाइस आपकी, वो नीट क्लियर होना चाहिए BAMS के लिए। और आपकी कट ऑफ जो जा रही है इस बार, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, SC ST वालों के लिए 108 मार्क्स चाहिए और जनरल एंड OBC वालों के लिए 138 चाहिए ही चाहिए गाइस, ठीक है, BAMS एडमिशन के लिए। तो DIMS जो है आपका 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, रिकॉग्नाइज है आपका UGC से, MHRD से और BAMS, और वो मोस्टली मतलब आपके जितने मेडिकल साइंसेस के कोर्स होते हैं, आपका BPT, BMLT, आपका ये आयुर्वेदा हो गया BAMS, है ना, और आपका और भी एक दो कोर्स हैं मेडिकल के। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, आपकी सीनियर से पता चला था कि वहाँ स्टडी बहुत अच्छी है, फेमस है ऑलरेडी मेडिकल साइंस कोर्सेज के लिए, ठीक है, स्टडी बहुत अच्छी है, फैकल्टी भी आपकी ओवरऑल अच्छी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है वहाँ जिस कोर्स की आप स्टडी कर रहे हो, उसके आपकी जो फैकल्टी है हर चीज़ की नॉलेज रखती है, एक्सपीरियंस से लेके हर चीज़ की, ठीक है। मैनेजमेंट आपका सपोर्टिव है, अच्छा मैनेजमेंट है। और आपका बात करते हैं आपका प्लेसमेंट वगैरह वहाँ है या नहीं है, तो इस सीनियर से जो मुझे पता चला था तो वहाँ पे प्लेसमेंट है, बहुत कम प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट कह लीजिए, बहुत कम, बहुत मतलब बहुत कम, एक रेशियो जो होता है ना उस रेशियो के अंडर में ही आता है, समझ लीजिए, बहुत कम प्लेसमेंट है। लेकिन ओवरऑल उनकी स्टडी बहुत अच्छी है ना, पढ़ाई बहुत अच्छी है, और बेसिकली वो जाना ही जाता है आपके मेडिकल साइंस कोर्सेज के लिए, DIMS, है ना। तो ओवरऑल फैकल्टी देखिए, आपकी PhD होगी, फैकल्टी आपके जो आप कोर्स कर रहे हैं चाहे उसकी एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, जिनको 7-8 साल या 5 साल, 4-5 साल ऐसा कह सकते हैं, होगी ओवरऑल एक्सपीरियंस फैकल्टी है वहाँ पे। बिल्कुल आपके सीनियर ने बोला था कि उन्होंने 5 साल वहाँ BAMS किया, ओवरऑल एवरीथिंग वाज गुड, हर चीज़ अच्छी थी। और अगर हम फीस की बात करें तो आपका जो है टोटल पैकेज रह सकता है 18-20 लाख के बीच में वहाँ पे गाइस, ठीक है, 18-20 लाख चला ही जाता है। और आपका 5 साल का कोर्स है BAMS, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना। तो DIMS ओवरऑल मिला के अच्छा इंस्टीट्यूट है, घुमा फिरा के क्यों बात करनी, इतना लंबा वीडियो नहीं ले जाएंगे। DIMS और मेडिकल साइंसेज के लिए गाइस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और डोंट वरी, आपका UGC रिकॉग्नाइज्ड है, और फैकल्टी मैनेजमेंट एवरीथिंग इज़ गुड, और आपके 2-4 सीनियर मेरे कॉन्टैक्ट में भी आ गए हैं जो DIMS से स्टडी कर चुके हैं, तो उन्हीं से फीडबैक लेके मैंने ये वीडियो पोस्ट की है, क्योंकि आपका नीट का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। आप देहरादून में इंस्टीट्यूट आप यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे BAMS के लिए, तो गाइस DIMS भी बेस्ट चॉइस रहने वाली है, और आपको रिग्रेट नहीं होगा वहाँ से अगर आप BAMS करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं लाइक मेडिकल कोई भी कोर्स करते हैं।
रहे हो, BPT, BMLT और अदर्स जो भी कोर्सेज हैं, BSc एग्रीकल्चर के लिए भी बेस्ट है वो। तो DIMS ओवरऑल मिला के आपका अच्छा रहने वाला है। मैनेजमेंट, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज गुड इन DIMS। ठीक है, पूरा ना मैंने आपको बता ही दिया था ना, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ के किसी सीनियर से आपकी बात हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं वहाँ के दो चार सीनियर हैं जिनसे अच्छी जान पहचान हो चुकी है DIMS के, उनसे मैं आपकी बात करा दूंगा गाइस, और वो आपको फीडबैक दे देंगे। ओवरऑल मैंने उनसे ही फीडबैक लेके आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। तो DIMS अच्छा रहने वाला है, बेस्ट चॉइस रहने वाली है आपके BAMS वगैरह और मेडिकल साइंस कोर्सेज के लिए। तो यार कैसा लगा आपको ये स्टडी ब्लॉग और कैसे लगते हैं गाइस मेरी तरफ से बनाए हुए ब्लॉग? पर्सनली ओपिनियन दूसरों से जो स्टूडेंट हैं उनसे शेयर करके डालता रहता हूँ, और बाकी मुझे खुद का अपना 5-6 साल का एक्सपीरियंस है देहरादून के, और सारे कई सारे बहुत से दोस्त हैं मेरे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वहाँ स्टडी कर रहे हैं, मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिलता जाता है, मैं आपको डालता जाता हूँ। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आगे फ्यूचर में भी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। कॉर्पोरेट से रिलेटेड वीडियो जरूर डालूंगा मैं गाइस। क्यों डालूंगा? क्योंकि अब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, तो आपको पता रहना चाहिए कि सीरियसली कॉर्पोरेट में क्या चीज़ें चाहिए, स्टडी से रिलेटेड कितनी चीज़ चाहिए, स्किल से रिलेटेड पर्सनली कितनी चीज़ें चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है ना, एटीट्यूड और नॉलेज, स्किल्स, एवरीथिंग, क्या क्या कॉर्पोरेट में चाहिए, क्या क्या चल रहा है, ये सब एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता रहूंगा गाइस, जिससे कि आपको पता रहे कि आप अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो कैसे सर्वाइव करना है, कैसे काम करना है। आपको वो ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से ये बात जानते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं। तो ठीक है गाइस, DIMS बेस्ट चॉइस रहने वाली है। आपका नीट का रिजल्ट क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया आपका नीट, तो आप DIMS देहरादून में ले सकते हैं एडमिशन, और सब चीज़ अच्छी है वहाँ की, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, और सब चीज़ बढ़िया रहेगी। फीस भी आपकी 18-20 लाख के बीच में जाएगा ओवरऑल पैकेज, ठीक है। और UGC आपका रिकॉग्नाइज्ड है, MHRD है आपका, और बेस्ट है, हर चीज़ में बेस्ट है गाइस, ये सीनियर से ही आपको पता चला था तो उन्होंने बोला। और देखिए एक दो कंप्लेंट्स हर कॉलेज में रहते हैं, छोड़िए यहाँ पर उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनके ज़्यादा नहीं बोलता, किसी की बुराई तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पर डिपेंड करता है गाइस, है ना। तो DIMS इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर BAMS, BPT, BMLT, अदर मेडिकल साइंस कोर्सेज, BSc एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी एंड अदर कोर्सेज ना, तो अच्छी चॉइस रहने वाली है DIMS आपका, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। सो ऑल द बेस्ट।